इज़ वेलकम टू यूर ओन चैनल सिविल्स तैयारी आज सबसे पहले हम डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेश्चंस देख लेते हैं और इन क्वेश्चंस को हम अपने आज के एडिटोरियल से और बाकी आर्टिकल से डिस्कस करेंगे पहला क्वेश्चन जो है ये जीएस पेपर टू से है और क्वेश्चन कहता है फार्मर्स कॉपरेशन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडिंग एंड फेवरेबल पब्लिक पॉलिसीज कैन हेल्प इंडिया डील विथ पैंडमिक जस्टिफाइड तो आपको ये जो है जस्टिफाई करना है कि किसानों का सहयोग तकनीकी उन्नयन और अनुकूल सार्वजनिक नीतियाँ इससे भारत महामारी से में निपटने की में ये सब चीज़ें भारत को महामारी से निपटने में मदद कर सकती हैं तो एक आज बहुत अच्छा आर्टिकल आया है एम एस स्वामीनाथन जी का और ये द हिंदू में आया है जहाँ पे हम इसकी बात करेंगे और वहाँ पे हम यहाँ से रेलेवेंट पॉइंट देखेंगे और उसके बाद आप इसका आंसर फ्रेम कर सकते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आपको देखना है वो है इन द वेक ऑफ कोविड नाइन्टीन आउटब्रेक द साइनो अमेरिकन रिलेशनशिप्स हैव हिट अ न्यू लो कॉमेंट तो आपको जो है टिप्पणी करनी है कि कोविड नाइन्टीन के प्रकोप की वजह से चीन और अमेरिका के संबंधों में एक नई जो है गिरावट दर्ज की गई है तो इसके बारे में आपको कमेंट कमेंट्री करनी है और ये हमारा जो है पहला आर्टिकल जो है ई से हमने लिया है इस वाले आर्टिकल में हम इस क्वेश्चन को आ, सही से एनालाइज करेंगे तो क्वेश्चन नंबर थ्री जो आपका है वो है स्टीप फॉल इन कोर सेक्टर की क्लियरली रिफ्लेक्ट्स द सिवियर डिमांड साइड कंस्ट्रेन कौन, ऑन द इकोनमी तो ये आ, इसको एनालाइज हमें करना है कि कोर सेक्टर में जो तेजी से गिरावट आई है वो अर्थव्यवस्था में गंभीर मांग की कमी को दर्शा आती है स्पर्श रूप से तो इसका हमें विश्लेषण करना है अगेन ये हमारा द हिंदू का आर्टिकल आया है एक उससे हम इसको एनालाइज करेंगे तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कि हमें कौन कौन से आर्टिकल्स में आज ये आंसर्स के इन क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे उसके अलावा जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं मेन्स और प्रलम्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से उनको आज हम देखेंगे और हम आज कवर कर रहे हैं ई वी डब्ल्यू उसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस और उसके अलावा हमारा द हिंदू इन तीनों के लिए आपको एक ही वीडियो देखने की ज़रूरत है तीन अलग अलग वीडियोज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो देखिए पहला आर्टिकल ये ई से लिया गया है और क्वेश्चन आपका आर्टिकल कहता है कोविड नाइन्टीन एंड यू एस चाइना टसल तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो हमने लिया था डायरेक्टली यहाँ से पिकअप किया था कि कोविड नाइन्टीन के आउटब्रेक की वजह से अमेरिका और चाइना के जो संबंध हैं उनमें बहुत तेज़ी से गिरावट दर्ज की गई है दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ प्रोपागैंडा वार में लगी हुई हैं और इसकी वजह से और इस वॉर में ये देखा जा रहा है कि यू कहीं ना कहीं जीता हुआ नज़र आ रहा है यू जो है साइनाफो साइनोफोबिया से सफ़र करता है साइनोफोबिया मतलब अमेरिका से थोड़ा सा डर यूएसए के मन में है और इसकी वजह से उसने क्या है अमेरिकन एशियन अमेरिकन के खिलाफ एक कहीं ना कहीं नफरत क्रिएट कर रखी है अमेरिका की सॉइल पर और ये कई बार एक नहीं कई सारी सेंचुरीज में बार बार ये इरप्ट होती है और यूजुअली जो है पैंडमिक के एक्सपीरियंस में इस साइनोफोबिया का और एशियंस के ख़िलाफ़ जो एक हेट है अमेरिकन के दिमाग में वो बार बार आ, सामने जाहिर होती है तो देखिए एक एडवर्स जो आउटकम होता है हेल्थ का अभी जो करंट हेल्थ क्राइसिस का जो एडवर्स आउटकम कम है वो ये है कि दो बड़ी जो सुपर पावर्स हैं आपकी सुपर पावर्स तो नहीं दो बड़ी बहुत बड़ी पावर्स चाइना और यू इन दोनों के बीच में बहुत तेज़ी से जो संबंध हैं वो खराब हुए हैं दोनों एक दूसरे को जो है से बोल रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि वहाँ से डिजीज़ आई है चाइना ने जो है यू को ब्लेम किया है और यू ने चाइना को ब्लेम किया है इस वजह से जो उनके बायलेटरल संबंध हैं वो बहुत तेज़ी से टूटे हैं बहुत तेज़ी से लो गए हुए हैं और इसी वजह से वर्ल्ड का धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि पोलराइजेशन होता जा रहा है अब दोबारा जो वर्ल्ड है यूनिपोलर से बाई लिटरल पोलर बाई वर्ल्ड में धीरे धीरे कन्वर्ट होती जा रही है और इसी वजह से एक ये भी चीज़ देखी गई है कि जो बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं यू में उसकी वजह से एंगर और एनिमोसिटी मतलब नफरत और घृणा और गुस्सा ये चीज़ें अमेरिकन में बढ़ गई हैं एशियन अमेरिकन कम्युनिटी को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसको टारगेट किया जा रहा है बहुत सारी अमेरिकन सिटीज़ के अंदर डॉक्टर्स की अगर हम माने तो डॉक्टर्स को जो है अमेर, एशियन अमेरिकन को ट्रीट करना मतलब जो एशियन अमेरिकन डॉक्टर्स हैं उनको जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है इस सिचुएशन में रिकनसाइल करके अपना काम करना और क्योंकि उनको जो है सेलिब्रेट भी किया जा रहा है और टारगेट भी किया जा रहा है दोनों चीज़ें एक साथ की जा रही हैं तो ऐसे में उनको एक काम करने में बहुत दिक्कत हो रही है अमेरिका के अंदर अब देखिए इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस जो कोरोना वायरस के होंगे वो बहुत ज़्यादा एक्यूट होंगे क्योंकि लॉकडाउन हैं काफ़ी सारी कंट्रीज़ में लॉकडाउन हैं और ऐसे में हम देखा जाए इस अगर बैकड्रॉप में देखें तो चाइनीज़ स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स इन्होंने जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में हैं इनकी जो है संख्या बढ़ जाएगी उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक डिमांड आएगी अमेरिका से कि जो वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस हैं वो चाइना के प्रोफेशनल्स के ऊपर और बिज़नेस के ऊपर लगाए जाने चाहिए तो ये एक, एक एंटिसपेशन देखने हमें देखने को मिलेगा कुछ अमेरिकन लिबरल्स वो अपने फैलो कंट्रीमैन को मतलब अमेरिकन को यही समझा रहे हैं कि उनको एशियंस के साथ एशियन अमेरिकन के साथ और पैसिफिक आइलैंडर्स के साथ एक भेदभाव वाला जो रेशियल अटैक्स हैं और स्लर्स हैं वो नहीं करने चाहिए बट उनकी रेजिस्टेंस से भी ये जो एक रेशियल आइसोलेशन सा हुआ है अमेरिकन एशियन अमेरिकन का अमेरिका में वो कम नहीं हो रहा है और ये उस पास्ट की याद दिलाता है एक उस समय की याद दिलाता है जब येलो फीवर काफ़ी तेज़ी से था उस वक्त येलो पैरल के रूप में जो है एक पॉलिटिकल थीम थी और अमेरिका के अंदर जो है चाइनीज़ को टारगेट करके उनको जो है एक खतरे वाले ही चीज़ कहा जाता था और उनको रेशियल स्लर्स में येलो पैरल कहा जाता था और उनको जो है अनक्लीन और गंदा समझा जाता था अब देखिए करंट जो सिचुएशन है वो 1870 जैसी अमेरिका में ऐसी सिचुएशन 1870 1880 में हुई थी जब जो है वहाँ पे अगेन एक और पैंडमिक जिसको हम स्पेनिश फ्लू बोलते हैं उस वक्त चल रहा था तो चाइनीज चाइनीज़ जो वर्कर्स थे उनको जो है काफ़ी गंदा उस वक्त फिल दी येलो होर्ड्स के रूप में उनको हरेशल स्लर दिया गया था मतलब गंदे येलो कलर के लोग ऐसा बोला गया था और इवन प्रेसिडेंट चेस्ट चेस्टर ए आर्थुर ने एक चाइनीज एस... एक्सक्लूजन एक्ट 1882 साइन की थी जिसने चाइनीज इमिग्रेंट्स इमिग्रेशन को 10 साल के लिए बंद कर दिया था और चाइनीज इमिग्रेंट्स को नेचुरलाइजेशन के लिए मना कर दिया था कि उनको जो है चाइनीज़ अगर कोई व्यक्ति है तो उसको नेचुरलाइजेशन से सिटीज़नशिप अमेरिका की नहीं मिलेगी अब ये अमेरिका की जो हिस्ट्री है दोबारा रिपीट होने जा रही है कोविड नाइन्टीन में क्योंकि यहाँ पे भी अब ये देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा क्वारंटाइन में है ग्लोबल इकनॉमी का हालत ख़राब है और ऐसे में बहुत सारी जो बेसिस ऑफ वर्शिप्स बंद हैं और पॉलिटिकाइज फिर देखिए ये जो है चैलेंज है कोविड का ये सभी ये पूरा जो चैलेंज है ये ह्यूमैनिटी का चैलेंज है ये किसी कंट्री का चैलेंज नहीं है ये जो वायरस है ये ये ना तो ह्यूमन ना तो ये देख रहा है रेस को देख रहा है ना रिलीजन को देख रहा है ना ये बाउंड्रीज को देख रहा है ये देख रहा है कि ह्यूमन्स हैं और ह्यूमैनिटी पर इक्वली ये अटैक कर रहा है तो ये जो हमारा वायरस है ये ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है बट अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इस वायरस में भी पॉलिटिकलाइजेशन हो रहा है और पॉलिटिकल सिचुएशन में लोग एक दूसरे के ऊपर बैक फाइटिंग कर रहे हैं अब अगर हम चाइना की बात करें चाइना ने क्या किया चाइना ने एक कॉन्स्परेसी थ्योरी को फ्लोट किया था जिसमें चाइना ने ब्लेम किया है यू एस की मिलिट्री के पर्सनल्स को यू के जो मिलिट्री के लोग थे उनको क्योंकि इन लोगों ने एक वहाँ पर एक्सरसाइज हुई थी वुहान में नवम्बर में जिसका नाम था मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स तो इस एक्सरसाइज़ में पार्टिसिपेट किया था तो चाइना का कहना है कि जब ये चा यू के जो मिलिट्री पर्सनल्स थे जब ये इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने आए थे नवंबर 2019 में तो ये अपने साथ वायरस ले करके आए थे और ये वायरस जो है यूएसए की में बनाया शुरुआत ब्लेम किया था और कोविड नाइन्टीन का नाम ही चाइना वायरस या वुहान वायरस रख दिया था तो ये जो है इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक क्रेडिबिलिटी इशू ट्रस्ट का इशू जो है प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के ऊपर लगाया गया था फ़ॉरन पॉलिसी एक मैगज़ीन है उसने सिवियरली क्रिटिसाइज किया था चाइनीज़ के सिस्टम को कि चाइनीज़ ने एक पब्लिक ट्रस्ट को ब्रीच किया है और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इस क्राइसिस को इंक्रीज़ uh, करने में कहीं ना कहीं लोअर uh, जो पार्टी ऑफिशियल्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहा है उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को त्याग दिया था और लोगों की जो है मदद नहीं की थी लोग ट्रैप थे अपने होम्स में हॉस्पिटल्स में इस फॉरेन मैगजीन ने जो है चाइना के ब्यूरोक्रेसी को काफ़ी ब्लेम किया था और उनको ये कहा था कि ये जो चाइना की ब्यूरोसी है ये सिर्फ पार्टी के लिए लॉयल है ये लोगों के लिए लॉयल नहीं है पब्लिक को इसने मरने के लिए छोड़ दिया था ये बात तो सही है कि कहीं ना कहीं शुरुआत के दिनों में चाइना ने अंडर प्ले करने की कोशिश की थी इस वायरस को और इसी वजह से इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म चाइना को फ़ेस करना पड़ा तो चाइना ने कहा फिर आगे चाइना ने क्या किया चाइना की गवर्नमेंट ने जैसे ही उसके ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हुआ उसने अपनी प्रोपागेंडा की मशीनरी को चालू कर दिया चाइना में बहुत ज़्यादा प्रोपागेंडा की एक पूरा इकोसिस्टम वेल ऑर्गनाइज है और इस प्रोपागेंडा की मशीनरी ने क्या किया इसने जो पार्टी की इमेज है और जी जिंग जिंगपिंग की जो इमेज है उसको एक वेल ऑर्गनाइज कंट्री के रूप में पोर्ट्रे करने की कोशिश की और एडवांट ये जो पॉलिटिक ये जो आपकी कोविड की सिचुएशन है इसमें चाइना को जो एक थोड़ा सा इनिशियल सक्सेस हासिल हुआ है उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठा करके चाइना ने फिर हमारी जो है वेंटिलेटर डिप्लोमेसी शुरू कर दी मतलब उन कंट्रीज़ में जहाँ पे वेंटिलेटर्स नहीं थे उनको जो है वेंटिलेटर देना शुरू कर दिया मास्क देना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं इस वायरस में भी उसने पूरा पूरा फ़ायदा उठाया है अब इसको अगर हम कॉन्ट्रेस्ट करें डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पांस से तो डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पांस रहा है काफ़ी लेक्साइडिकल हुआ रहा है मतलब उनको कोहेरेंट कोई पॉलिसी ही नहीं है काफ़ी इनकोहेरेंट रिस्पांस रहा है और इसकी वजह से काफ़ी तेज़ी से वायरस यू में फैला और ऑलरेडी अभी तक पचास से ज़्यादा अमेरिकन की अमेरिकन की जो ज़िंदगी है वो जा चुकी है तो जैसे जैसे हमने देखा कि अमेरिका का जैसे ही रेपूटेशन नीचे गिरने लगी और अमेरिकन सोसाइटी इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करती है प्राइवेटाइजेशन पर रिलाई करती है और उसमें यह देखा गया कि उसकी जो एक इंडिविजुअलिज्म और प्राइवेटाइजेशन की जो स्ट्रैटी थी यूएसए की वो इस वक्त चाइना की और कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट स्ट्रैटेजी के सामने फेल होती हुई नजर आ रही है तो ऐसे में ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने या अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन ने स्केप गोट मतलब बली का बकरा ढूंढना शुरू किया और बली का बकरा दो उनको मिले एक तो चाइना और दूसरा डब्ल्यूएचओ और दोनों के ऊपर बहुत तेजी से अटैक किया गया यूएसए के द्वारा अब ये जो चाइना का कोरोना वायरस का जो नेगेटिव है जैसे जैसे इसमें जो है जब यू की प्रोपागंड मशीनरी चालू हुई तो इसमें से चाइना का जो एक रैंकिंग थी वो धीरे धीरे नीचे होने लगी जैसे कि वॉल स्ट्रीट जर्नल जर्नल ने चाइना को सिक मैन ऑफ एशिया का नाम दिया एक टाइटल जो इसलिए दिया गया था क्योंकि ये कंट्री जो है न केवल ये इस एपिडेमिक की एपिसेंटर रही है बल्कि एटीन में के आसपास ये कंट्री जो है प्लेग बुब्योनिक प्लेग की भी एक एपिसेंटर रही थी तो इसी चीज को पॉइंट आउट करते हुए वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सिक मैन ऑफ एशिया का दर्जा इसको दिया था अब वेस्टेड नॉलेज यहाँ पे देख लेते हैं क्या है चाइना ने की जो डिस्कवरी हुई थी न्यूमोनिया की वो 31 दिसंबर को वुहान में हुई थी इस डिस्कवरी और कुछ दिन इसमें लगे थे इसको आइडेंटिफाई करने के में और बारह जनवरी के आसपास चाइना ने पब्लिकली जेनेटिक सीक्वेंस जो है कोविड 19 का डब्ल्यू को शेयर कर दिया था और डब्ल्यू ने इसको बाकी कंट्रीज़ के साथ मैंबर कंट्रीज़ के साथ शेयर कर दिया था पर यूएसए और बाकी कंट्रीज़ कुछ नहीं है कि जो उनका कहना है कि चाइना ने जिस स्पीड से इन्फॉर्म किया वो काफ़ी डिलेट था और चाइना को बहुत साल वो टाइम से केसेस पता थे तो चाइना ने जो केसेस को इन्फॉर्मेशन का टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा ले लिया जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से वायरस स्प्रेड हो गया अब देखिए यहाँ से हमें कुछ नहीं पढ़ना है अभी हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे इस ऊपर की तरफ क्या दिया हुआ है कि कुछ दो डॉक्टर्स थे जिन्होंने जो है रेड फ्लैग्स इशू किए थे शुरुआत में और उन्होंने चाइना की सोशल मीडिया पे ये डाला था कि नया वायरस है और उन पर प्रेशर डाला गया था चाइना की अथॉरिटीज़ के द्वारा कि वो अपना ट्वीट वापस ले लें या अपनी जो स्टेटमेंट है उसको वापस ले लें एक बहुत बड़े जो कोरोना वैरियर के रूप में आए थे वेन लियांग लियांगे डॉक्टर थे इन्होंने सबसे पहले जो है अलार्म रेज किया था इनकी इवन इस वायरस से लड़ते लड़ते मृत्यु भी हो गई तो जो अमेरिका का जो चाइना का रिस्पॉन्स है कहीं ना कहीं शुरुआत में इसने गड़बड़ी तो की थी अब अगर हम न्यूज़ की बात करें अगर हम तो टोटल जो इंफॉर्मेशन की बात करें कि पैंडमिक से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो पैंडमिक से रिलेटेड जो एक बार में गेमिंग चाइना के द्वारा पहले ही की गई थी और आ, कितनी तर, कितनी मतलब कितना ज़्यादा ये वॉर गेमिंग कितनी सक्सेसफुल थी और कितने एरिया तक फैली हुई थी इसके बारे में चाइना के बारे में अंदाज़ा ज़्यादा नहीं इसलिए है क्योंकि चाइना से जो चीज़ें हैं वो वापस आ, वो बहुत ज़्यादा खुल के सामने नहीं आती हैं बट अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट ने जनवरी में ही एक वॉर गेम ऑर्गेनाइज किया था जिसमें एक फेक वायरस के से जो है को कंटेन करने के सारे जो प्रोटोकॉल्स होने चाहिए वो टेस्ट किए गए थे तो जनवरी दो एक वॉर गेम एक्सरसाइज जो है यूएसए के द्वारा की गई थी जिसका नाम था क्रिमसन क्रिमसन कंटेजियन ये जो इस एक्सरसाइज को जो किया था कंडक्ट वो थी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज इस डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया था और इसका जो कॉर्डिनेशन था वो डायरेक्ट पेंटागन से कॉर्डिनेशन था और उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ तो वेटरन अफेयर्स भी इसमें इन्वॉल्व था और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स भी इसमें इन्वॉल्व थे उसके अलावा बारह जो स्टेट्स थे यू के उन्होंने भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था इसका मतलब ये हुआ कि इवन इस वायरस के आने से पहले ही अमेरिका ने इस ऐसी एक सिचुएशन की एक प्रैक्टिस की हुई थी कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हमें क्या क्या प्रोटोकॉल्स रेडी करके रखने हैं और हमें किस तरह से इसको डील करना है बहुत सारे जो मोमेंट्स थे इस एक्सरसाइज़ के आज के टाइम में वो काफ़ी फैमिलियर हैं और वही चीज़ें हम आज फॉलो कर रहे हैं ये जो वॉर गेम था इसमें जो फिक्शनल पैंडमिक था इस पैंडमिक में वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है पूरे यू में और सी जो है एक गाइडलाइन इशू करता है कि सबको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और वर्क फ्रॉम होम करना है जैसा कि आज हमें देखने को मिल रहा है जो कि ना केवल यू में एप्लीकेबल है बल्कि बाकी कंट्रीज़ में भी एप्लीकेबल है अब ये जो ये जो नॉलेज है पैंडमिक के बारे में ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल्स को ही नॉलेज थी जो एक पैंडमिक के बारे में जो है पॉपुलर मीडिया में और एंटरटेनमेंट में भी काफ़ी नॉलेज पहले भी रही है जैसे कि एक मूवी बनाई गई थी 2011 में जिसका नाम है कंटेजन कंटेजन में भी एक इसी तरह की वॉरगेमिंग सी एक्सरसाइज दिखाई हुई है जहाँ पे एक वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है और वो बैट से ह्यूमन में ट्रांसमिट करता है इंटरमीडियटरी होस्ट जो है पिक के रूप में और उस वक्त पूरी दुनिया जो है पैंड इससे लड़ने के लिए वैक्सीन के डेवलपमेंट में रुक जा जुट जाती है तो बिल्कुल उसमें जो सिमिलैरिटी है वो आज की सिचुएशन जैसी सिमिलैरिटी दिखाई गई है उस मूवी में उस मूवी के अलावा और भी एक एक्शन सीरीज़ है यू की जिसका नाम है लास्ट शिप ये सीरीज़ नाइनटीन में बनाई गई थी और इसमें भी एक यू की मिसाइल डिस्ट्रॉयर के अंदर ये फिल्म इसकी फिल्मिंग की गई है इस सीरीज़ को 2014 में रिलीज़ किया गया था और इसमें भी एक किलर डिजीज़ का जो है जिक्र किया गया है जो 80 परसेंट जो पॉपुलेशन है उसको नष्ट कर देती है इस मूवी में ये दिखाया गया है कि नया वायरस सिर्फ ह्यूमंस को अटैक करता है और कोई वैक्सीन इसकी अवेलेबल नहीं है और इसके लिए जो है एक लेबोरेटरी में वार्शिप के अंदर एक लेबोरेटरी जो है बनाई जाती है टेम्प्रेरी और वहाँ पे वैक्सीन का डेवलपमेंट किया जा रहा है तो इस मूवी में ये दिखाया गया है Thank <laughs> you. इसी तरह से नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है जो 2020 में रिलीज़ हुई थी पैंडमिक हाउ टू प्रिवेंट एन आउटब्रेक और ये कोइंसिडेंटली काफ़ी जो है जनवरी ट्वेंटी इस इसने जो है कोइंसिडेंटली कोरोना वायरस के पैंडमिक को जो है कहीं ना कहीं आउटब्रेक को बताया था कि ये पैंडमिक में कन्वर्ट हो सकता है और इसमें जो है वैक्सीन के सर्च के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं वो भी दुनिया को दिखाए थे तो ये नॉलेज न केवल ऑफिशियल सर्कल्स में है कि क्या क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए एक वायरस से कंट को कंटेन करने के बल्कि ये जो है एंटरटेनमेंट में और बाकी मीडिया में पॉपुलर मीडिया में भी काफ़ी अवेलेबल है फ्री प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है तो इतनी ज़्यादा वायरस रिलेटेड नॉलेज होने के बावजूद भी ऑफिशियल सर्कल्स उसके साथ साथ पॉपुलेशन का जो रिस्पॉन्स रहा, रहा अमेरिकन पॉपुलेशन का और इंटरनेशनल पूरी जो आपकी जो भी रिस्पॉन्स रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वो काफ़ी स्लो रहा है काफ़ी बेकार रहा है अगर प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता जैसे मूवीज़ में दिखाया गया है जो वारगेमिंग में जो प्रोटोकॉल्स थे उन सबको अगर फॉलो किया जाता और तो शायद ये वायरस इतनी तेज़ी से नहीं फैलता अब इंडिया के लिए इस यू एस ए वर्सेज यू एस वर्सेज चाइना के इसमें बीच में इंडिया का क्या रोल होना चाहिए देखिए ये जो स्पीयर मिसमेयर कैंपेन किया जा रहा है ये जो यू और चाइना एक दूसरे को जो ब्लेम गेम कर रहे हैं और कंटिन्यूस इस, इस इश्यू को पॉलिक, पॉलिक, डिसाइड कर रहे हैं उसमें जो है नए एक्सपोनेंट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है जेनोफोबिया की और रेसिज्म की और ये जो जेनोफोबिया रेसिज्म है ये सिर्फ यू में लिमिटेड नहीं है ये बाकी कंट्रीज़ में भी फैला है फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में भी कहीं ना कहीं चाइनीज़ के ख़िलाफ़ एक रेसिज्म और जेनोफोबिया देखा गया था अब हम बॉलीवुड एक्टर अगर अमिताभ बच्चन जी की बात करें तो यूजअली ये किसी कॉन्ट्रोवर्शियल एरिया में नहीं बोलते हैं पर इन्होंने भी एक जो है ट्वीट शेयर किया था जिसमें इन्होंने डब्ल्यू के जो आप के डब्ल्यू एच ओ के जो हेड हैं टेड्रोस गैब्रियस इनको जो है एक पिक्चर थी इनकी जिसमें इनको अंधा करके दिखाया गया था और इनकी आंखों पर चाइना की पट्टी बंधी हुई थी तो इसको ट्वीट किया था नेक्स्ट आपकी इसी तरह से एक आपके कांग्रेस के लीडर हैं मनीष तिवारी काफ़ी प्रोमिनंट फिगर हैं कांग्रेस में उन्होंने भी काफ़ी जो है और ये कमेंटेटर हैं डिफेंस और स्ट्रेटेजिक इश्यूज में उन्होंने भी कॉन्स्परेसी थ्योरी को जो है प्रमोट किया था जिसमें कोविड नाइन्टीन के आउटब्रेक को बायोटेरिज़म का नाम दिया गया था तो इस तरह की जो एक्शंस हैं हमारी पब्लिक फ़िगर के द्वारा तो अगर उनके द्वारा ऐसे एक्शंस लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारे कंट्री का भी मूड चाइना के अगेंस्ट है और इस तरह की एंटी चाइना फीलिंग्स जो है उससे क्या होगा कि हमारे जो ट्रेड रिलेशन्स हैं चाइना के साथ वो खराब होंगे और उसके साथ 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 चाइना का जो एक इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर एफ़ टी इन्वेस्टमेंट है टेक्नोलॉजी में गुड्स में इन्वेस्टमेंट में वो कम हो जाएगा हार्श रियलिटी ये है कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो काफ़ी पुअर है और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो पूरी पूरी तरह से हम काफ़ी चीज़ों में चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं हमारी बहुत सारी जो क्रिटिकल uh, चीज़ें हैं जो भी क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स हैं वो चाइना से सोर्स किए जाते हैं तो ऐसे में जो ग्रोइंग uh, साइनोफोबिया है इंडिया के लिए वो अच्छा नहीं है और एंटी ना जो फीलिंग्स हैं वो हमारे नेशनल सेंटिमेंट्स के और इंडियन जिंगोज़म के लिए तो अच्छे हैं बट शायद हमारी जो एक लड़ाई होगी वैश्विक स्तर पर अपनी एक आ, न्यूट्रल स्टैंड की उसमें कमज़ोरी लाते हैं अब देखिए यूएसए की और चाइना की क्या पॉलिसी है इससे इंडिया को कोई मतलब नहीं होना चाहिए इंडिया को ये देखना है कि पोस्ट नाइन कोविड नाइन्टीन के वर्ल्ड में ना तो यू का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होने वाला है और ना ही जो है चाइना एक इतनी ज़्यादा मजबूत स्थिति में होगा कि वो एक यूनिपोलर पोलर वर्ल्ड को की ऑर्डर को क्रिएट कर सके ऐसे में बहुत सारी कंट्रीज़ एक कंस्ट्रक्टिव रोल निभाएंगी और उसमें एक इंडिया भी है इस वक्त इस नाजुक स्थिति में चाइना के पास इतनी कैपेबलिटीज़ हैं कि वो कुछ कंट्रीज़ को जो है रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है पैंडमिक में और इसीलिए इंडिया को जो है चाइना के साथ एंटोगनाइजेशन अभी नहीं करना चाहिए क्योंकि हम ना केवल उनके ना केवल हम एशिया के दोनों पार्टनर्स हैं बल्कि हम उनके साथ लैंड बाउंड्री भी शेयर करते हैं और हमारे और भी बहुत सारे लैंड डिस्प्यूट्स भी हैं तो ये चीज़ें बहुत आउट ऑफ प्रपोर्शन ग्रो हो सकती हैं इसीलिए हमें अभी इस पैंडमिक की घड़ी में थोड़ा सा अपने, अपने अपने जो सेंटिमेंट्स हैं वो न्यूट्रल रख के और एक ह्यूमैनिटी को सामने रखते हुए आगे करने होंगे और पब्लिक फिगर्स के द्वारा इस जेनोफोविया को अगर बढ़ावा ना दिया जाए तो उसी से इंडिया का भला होगा तो गाई अब देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस में हमें कौन से आर्टिकल्स को देखना है गेट ऑन राइट ट्रैक तो यहाँ पे देखिए स्पेशल ट्रेन बनाई गई हैं माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है और एक हज़ार लेबर्स ऑलरेडी जो है लिंगम से तेल, तेलंगाना से हटिया जो है झारखंड में वहाँ के लिए बैठ चुके हैं इस ट्रेन में को बोर्ड कर चुके हैं होम मिनिस्ट्री ने इनिशियली जो है वर्कर मुण का मूवमेंट अलाउ किया था बसेस में बट बहुत सारे स्टेट्स ने कहा कि बसेस जो काफ़ी दूर दराज जो स्टेट्स हैं ऐसे में बस काफ़ी फिजिबल ऑप्शन नहीं होगी तो इसीलिए ट्रेन को चालू किया गया है और इस स्पेशल ट्रेन को श्रमिक ट्रेन का नाम दिया गया है एंड ये रेलवे मिनिस्ट्री श्रमिक ट्रेन चला रही है जिसमें स्पेसिफिकली वर्कर्स को माइग्रेंट वर्कर्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक फेरी किया जाएगा अब ऑलमोस्ट जो दस मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो स्टैंडर्ड हैं अलग अलग कंट्री के भागों में उसके अब काफ़ी टाइम उन्होंने जो है चैरिटी पे रह लिए और कराम शेल्टर्स में रहे हैं और उनको जो सपोर्ट दिया गया वो गवर्नमेंट्स के द्वारा एन के द्वारा और कुछ बिजनेस आउटफुट्स के द्वारा दिया गया है ऐसे में इन वर्कर्स की इच्छा है कि वो अपने घर चले जाएँ और अपने एक विलेज के गाँव के कम्फर्ट में रहें तो जो ट्रेन का एक यूसेज है वो उनके होप्स को तो किंडल करेगा बट इसमें कहीं ना कहीं डिस्प्रेशन और एंगजाइटी भी है ऐसा ये चीज़ एविडेंट है मुंबई से जब तीन वीक पहले डिस्ट्रेस माइग्रेंट्स ने बहुत तेज़ी से बांद्रा के रेलवे स्टेशन को पूरी पूरी तरह से भर लिया था और ये सोचा था कि शायद लॉकडाउन रिलैक्स हो जाएगा तो इसीलिए वो लोग जो है जल्दी से बांद्रा के रेलवे स्टेशन चले गए थे जिससे कि वो ट्रेन्स को पकड़ के अपने घरों को वापस जा सकें इस तरह की सिचुएशन रिकर ना करे इसीलिए स्टेट और रेलवे मिनिस्ट्री को आपस में एंगेज करना चाहिए और इन्फॉर्म करना चाहिए माइग्रेंट्स को जब वो स्पेशल ट्रेन्स चला रहे हैं किसको ट्रेन मिलेगी और कब मिलेगी ये फेयर होना चाहिए और ये उनको फेयर दिखाई भी देना चाहिए सारे चैनल्स जो है कम्युनिकेशन के ओपन होने चाहिए जिससे कि दोबारा पैनिक की, की सिचुएशन ना हो और रशिंग और ना हो सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रोटोकॉल है वो जर्नी के टाइम भी फॉलो हो ये देखना भी जरूरी है और कोरोना uh, वायरस के uh, जो कैरियर्स हैं वो असिम्टोमेटिक होते हैं इसीलिए जो प्रोटोकॉल्स हैं जर्नी के लिए उनको जो है देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेट गवर्नमेंट और रेलवे ऑफिशल्स को ये देखना ज़रूरी है कि uh, कोई भी जो बर्डनिंग तो ना हो माइग्रेंट्स की उसके साथ साथ कोई भी माइग्रेंट वायरस को लेकर के गाँव के रूरल एरियाज़ में ना जाए क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी स्टेट्स के लिए और अब इस टाइम अपॉर्चुनिटी है स्टेट अथॉरिटीज़ के पास कि वो इसमें जो है सही स्टेप्स लें और प्रोटोकॉलिंग वगैरह करें क्योंकि वो बहुत तेज़ी से बहुत क्लोजली उनको देखा जाएगा अब नेक्स्ट है आपका सेल्फ आइसोलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये यहाँ पे देखिए एक पब्लिक जो सॉरी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको देखा गया देखिए बहुत ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फ़ीस बहुत चार्ज की जाती है और अगर नॉर्मल कोई सिचुएशन होती है तो सभी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू पब्लिक हॉस्पिटल्स बट अभी पैंडमिक की लड़ाई में ये प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पर लोग ट्रस्ट करते हैं जहाँ पर लोग जो है बहुत भारी मात्रा में जा के इनसे मिलते हैं वहाँ पर ये देखा गया है कि uh, उनको उन्होंने जो है पैंडमिक की लड़ाई में ज़्यादा सहयोग नहीं दिया है ऑलमोस्ट uh, दो वीक हो चुके हैं लिबरलाइजेशन के और प्राइवेट इंटरप्राइजेज ने एक इनिशियेटिव में जो है एक बढ़ोतरी दी गई थी प्राइवेटली ओन जो नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने बर्डन ऑफ डिजीज़ को थोड़ा सा रिड्यूस किया था ऑलमोस्ट टू करोड़ लैक आपके प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया गया है और पब्लिक हेल्थ क्राइसिस में की बात देखें तो ये जो प्राइवेट इन्वेस्ट हॉस्पिटल्स हैं इन्होंने ज़्यादा कोई हेल्प नहीं की है इस बर्डन को रिड्यूस करने में प्राइवेट एंटरप्राइजेस की बात करें तो ऑलमोस्ट तीन जो हॉस्पिटल्स हैं चार में से जो तीन हॉस्पिटल्स हैं इंडिया के अंदर वो सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके पास हॉस्पिटल बेड्स भी हैं उनके पास दस उनमें उनके पास आठ में से दस में से आठ वेंटिलेटर्स अगेन प्राइवेट हॉस्पिटल के पास हैं बट अभी इस वक्त कोरोना वायरस के जो क्रिटिकली इल केसेस हैं उनको शायद जो टोटल केसेस हैं मान लीजिए सौ केस आए उसमें से केवल दस केस को प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैंडल कर रहे हैं तो इतनी सारी कैपेसिटी होने के बावजूद भी प्राइवेट हॉस्पिटल इस लड़ाई में देश का साथ नहीं देते हुए नज़र आ रहे उनकी रिलक्टेंस है कि वो एंगेज नहीं करना चाह रहे हैं और वो कोरोना वायरस पेशेंट्स को बिल्कुल अपने वहाँ से अलग कर देते हैं मतलब वो घुसने ही नहीं देते और ऐसा हमने दिल्ली में और महाराष्ट्र में देखा है स्टेट गवर्नमेंट्स ने उनको बार बार ऑर्डर्स इशू किए हैं कि वो कोरोना के पेशेंट्स को अपने द्वारों से ना भगाएं बट उनकी ये जो टेंडेंसी है इसमें कमी नहीं आ रही है रीज़न ये है कि वहाँ पे पे कट्स एम्प्लॉय हैं एम्प्लॉयज़ को रिलेक्टेंस है एम्प्लॉयज़ अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते इस रिस्की सिचुएशन में और उनको हॉस्पिटल्स को ये भी डर है कि अगर कोरोना वायरस का मान लीजिए एक भी कोई उनका डॉक्टर जो है इन्फेक्ट हो जाता है या उनका कोई नर्स या फिर कोई भी जो हेल्थ स्टाफ है वो अगर इन्फेक्ट हो जाता है तो पूरा जो हॉस्पिटल है वो सील हो जाएगा उससे जो ब्रांड वैल्यू है हॉस्पिटल की वो कम हो जाएगी इसीलिए वो इन प्रोटोकॉल्स को ना तो यूज़ कर रहे हैं और ना ही वो ब्यूरोक्रैटिक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं ऐसे में जो इकोनॉमिक रियलिटी है और उनके जो रेवेन्यूज़ के और फुटफॉल्स हैं ये सब रिड्यूस होंगी उसके साथ साथ उनको जो है रिस्क और ये सब चीज़ें का एक्सपोजर नहीं मिलेगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट उनको जो है क्या करना चाहिए उनको एश्योरेंस देनी चाहिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कि अगर कोई रिस्क होता है तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दो इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पूरा पूरा सपोर्ट करेंगी उसके अलावा इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया ने कहीं ना कहीं अपनी जो पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एबडिकेट कर दिया था छोड़ दिया था और जो वैक्यूम है वो प्राइवेट हॉस्पिटल ने भरा बट अब पैंडमिक ये अपॉर्चुनिटी हमें देता है कि पॉलिसी मेकर्स रीवैल्यू करें अपनी पब्लिक वर्सेस प्राइवेट हेल्थ केयर को और जो भी फैसिलिटीज़ हैं हम इंश्योरेंस बैक्ड हेल्थ केयर की जगह हमें कहीं ना कहीं अब इंफ्रास्ट्रक्चर बैक्ड हेल्थ केयर की तरफ मूव ऑन करना चाहिए जिससे कि ये अभी जो करंट सिस्टम है ये काफ़ी फ्लॉड है और इस सिस्टम को आगे कंटिन्यू ना किया जाए आगे आने वाले किसी भी पैंडमिक के लिए हमारे पास एक इतना रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए कि हम बढ़ते हुए केसेस को डील कर सकें देखिए आज के टाइम में कहीं ना कहीं इंडिया लकी है कि कुछ हमारे जो रेट्स हैं डेथ रेट कम है हमारे जो इन्फेक्शन रेट हैं बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले कम है इवन हमारा जो डबलिंग रेट है ग्यारह से दिन का के आसपास का ये भी बाकी जो कंट्रीज हैं उनके मुकाबले काफी कम है तो आगे अगर नेक्स्ट मान लीजिए कोई पैंडमिक आता है तो जरूरी नहीं है ये सिचुएशन इंडिया के साथ अगेन रिपीट हो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम ये भी देख चुके हैं कि इटली जैसा एक रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम में भी क्या क्या फेलियर्स हुए हैं वहाँ तो पॉपुलेशन बहुत कम थी उसके बावजूद जो हेल्थ केयर सिस्टम था पूरी तरह से कोलेप्स कर गया तो इंडिया में वो सिचुएशन रिपीट ना हो इसीलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करनी चाहिए जिससे कि आ, आगे आने वाले टाइम में हम पूरी पूरी तरह से सुरक्षित रहें अब आज का जो आपका होमवर्क है वो ये है कि आप इस वाले आर्टिकल को एक तो पढ़ेंगे कि आ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बहुत तो नहीं मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा पाकिस्तान की पैंडमिक से डील करने के एक रवैये पे अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है आपका फियर होप एंड सेंट्रल बैंक तो ये वाला जो आर्टिकल है इसको हम कल वाले एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे क्योंकि आज बहुत बड़ा हो रहा है तो वहाँ पे हम देखेंगे इसमें से बहुत सारी कुछ इम्पोर्टेंट टेकअवेज हैं तो कल के हम डेली आंसर राइटिंग चैलेंज में यहाँ से क्वेश्चन देंगे और तभी हम इस आर्टिकल को भी डिस्कस करेंगे अब चलिए देखते हैं कि हमें द हिंदू से क्या क्या देखना है तो ये वाला जो पेज है आपका एडिटोरियल पेज आज ये एडिटोरियल पेज बहुत इंपॉर्टेंट आया है और इसमें से सारे चारों एडिटोरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनका डिटेल डी, डिस्कशन चाहिए तो इसीलिए हमें जो है इसका डिटेल्ड वीडियो हम हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड हो चुका है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं अब नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है पहला एडिटोरियल जो आपको देखना है वो है रिकवरिंग अर्ली तो हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है इंडिया के लिए कि हमारा जो रिकवरी रेट है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट है आ, ये काफ़ी एक अच्छा रेट है और ऑलमोस्ट जो द, दो वीक पहले जो रेट था उसका ऑलमोस्ट अच्छा दुगना है दो वीक पहले हमारा रिकवरी रेट ऑलमोस्ट ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट था अभी ये हमारा डबल हो गया है तो ये एक अच्छी चीज़ है और नेशनल पैरामीटर्स में या इंटरनेशनल पैरामीटर्स में भी ग्लोबल पैरामीटर्स में भी हमारा ये जो आउटकम है काफ़ी अच्छा है अब इसको अगर हम देखें तो फिफ्टी वन पॉइंट टू परसेंट जो हमारा फर्टिलिटी रेट है वो साठ से ज़्यादा साल के लोगों के लिए है उसके अलावा ये भी देखना ज़रूरी है कि रिकवरी uh, और डेथ दोनों केसेस में को जो है पूरी तरह से कई सारे केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे हमने पूरी पूरी डेथ्स को नोट नहीं किया है उसके बावजूद क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अनटेस्टेड हैं और रिकवर्ड हो चुके हैं तो हमारे पास पूरा ये जो हमारे पास डेटा है उन लोगों का नहीं है जिनकी जिनके मतलब इस डेटा में सभी लोग को कैप्चर नहीं किया गया है उसके बावजूद जो हमारा रिकवरी रेट है वो थोड़ा सा बेटर है तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको टेस्टिंग नहीं हुई थी पर वो रिकवर कर चुके हैं उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पॉजिटिव केसेस तो हुए थे पर उनका जो डेथ है वो किसी और रीजन से हुई है अंडरलाइंग रीजन कोई और था पर अगेन एक यूएसए की एक स्टडी हुई थी उसमें ये पता चला था कि लोग कुछ लोग जो है वायरस होने के बाद किसी और अनरिलेटेड कॉज से उनकी डेथ हो रही है तो कहीं ना कहीं वो वायरस के द्वारा एक्सकरवेटेड है एडवाइजर्स के द्वारा ये डेथ कहीं ना कहीं इम्पेक्टेड है तो ये दो रेट्स इन दो चीज़ों को हमने एक्सप्लोड किया है उसके बावजूद हमारा जो रिकवरी रेट है वो थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ है कंपेरेटिवली अगर हम डेथ रेट की बात करें तो हमारा जो डेथ रेट है वो थ्री पॉइंट टू परसेंट है ये अगर हम देखते हैं तो काफ़ी कम है अब अगर हमने सारी मान लीजिए हमने सारी जो वायरस रिलेटेड डेथ्स हैं उनको नहीं भी कैप्चर किया और हमने कुछ फैटलिटीज़ को कुछ डेथ को अगर हमने मिस क्लासीफाई भी कर दिया उसके बावजूद हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स का एक आवाजाही है या हमारे पेशेंट्स जो है हॉस्पिटल के वहाँ पर कतार लगा के खड़े हुए हैं जैसा कि यू और यूरोप में हो रहा है कि वहाँ पर हॉस्पिटल्स जो है ओवरफुल हो गए थे तो ये चीज़ एक क्लियर है कि हाँ इंडिया के अंदर जो इन्फेक्शन रेट है वो थोड़ा सा लो yeah oh. जॉन हॉपकिंस का जो डेटा है उसने ये कन्फर्म किया था कि हंड्रेड जो कन्फर्म्ड केसेस थे यू में उसमें से फिफ्टीन जो आपका फेटलिटीज़ हुई थी तो इंडिया में आप देखिए थ्री डेथ हैं जबकि यू के अंदर फिफ्टीन डेथ थी और बेल्जियम के अंदर भी 15.7 परसेंट डेथ थी तो बहुत सारी इसके लिए हाइपोथेसिस दी जा रही है कि इंडिया के अंदर इतना लो डेथ रेट इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो बेनिफिट है इम्यूनाइजेशन का बेनिफिट मिला है बीसीजी का बेनिफिट मिला है ये हमने एक बार और आर्टिकल में देखा था उसके अलावा ये भी बोला गया है कि आपका और भी फैक्टर्स हैं जैसे कि क्लाइमेट फैक्टर की बात कर रही है कि हम बात की जा रही है कि हम लोग थोड़े से गर्म क्लाइमेट में है तो हमारी जो फैटलिटी रेट है वो कम है पर ये दोनों हाइपोथेसिस अभी टेस्ट नहीं हुई हैं तो इसीलिए हम साइंटिफिकली इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं जो भी है एक बात क्लियर है फैक्ट एक क्लियर है कि हाँ हमारा इंडिया का जो डेथ रेट है काफ़ी कम है क्योंकि अगर डेथ्स ज़्यादा होती तो वो दिखाई भी देती कोई बॉडीज पाइलअप नहीं हो रही हैं हो इतने ज़्यादा दिन हो चुके हैं इन्फेक्शन हुए थर्टियथ जनवरी से आप देख लीजिए और उसके बावजूद ट्वेंटी मार्च से भी आप देख लीजिए इन्फेक्शन अगर इतना ज़्यादा कम्यूनिटी स्प्रेड भी हो जाता तो हॉस्पिटल्स जो है बुरी तरह से रोगियों से घिर जाते वो भी इंडिया में देखने को नहीं मिला है तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये बात एक पॉजिटिव है कि हाँ हमारे यहाँ पे फैटिलिटी लो है रिकवरी रेट हमारा बेहतर है तो ऐसे में अब हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि हमें इकनॉमी को रिवाइव करना है ये एक जेनुइन वरी है और ये न केवल पेशेंट्स के लिए वरी है ये सभी लोगों के लिए एक प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है पब्लिक हेल्थ स्ट्रैटेजी कोविड नाइन्टीन की जो है उसने लोगों को के इन्फेक्शन के स्टेटस को, को डिटरमाइन करने के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है और अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें सेलेक्टिव क्वारंटाइनिंग की की जानी चाहिए प्लानिंग वेलफेयर मेजर्स को और प्लान करना चाहिए क्योंकि हमने जो पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी उसमें सारे बेनिफिशरीज़ कवर नहीं हुए हैं तो अब जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो हमें इंक्रीज़ करने हैं उसके बाद हमें जो ट्रायल थेरेपीज़ हैं जो पोटेंशियल थेरेपीज़ हैं जो जैसे कि आई ने बोला प्लाज्मा थेरेपी हुई और कुछ थेरेपीज़ हुई उनके ट्रायल्स को जो है तेज़ी से इंडिया के अंदर बढ़ाया जाना चाहिए लॉकडाउन का जो रिलैक्सेशन है उससे थोड़ा सा जो स्ट्रैटेजी होगी हमारी काफ़ी प्रिसाइज हो जानी चाहिए और इंटेंसिव मेजर किए जाने चाहिए जिससे कि वायरस का जो रिप्रोडक्शन रेट है और ज़्यादा ज़्यादा रिड्यूस हो जाए और हमारे जो एक इन्फेक्शन जो हमारी इकनॉमी पर डेंट आया है वो भी थोड़ा सा कम हो जाए नेक्स्ट आर्टिकल जो आपको देखना है वो है ओमनियस कॉन्ट्रैक्शन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज इसमें क्या है कि हमने कोर सेक्टर में बहुत तेज स्टीप फॉल देखा था और कम से कम ये हमारा आठ साल तक लगातार हमारा जो कोर सेक्टर था वो ग्रो कर रहा था आठ साल के बाद इतनी बुरी तरह से हमने ये फॉल देखा है कोर सेक्टर में तो कोर सेक्टर का जो आउटपुट डेटा है वो ये दिखाता है कि इकोनॉमिक जो हमारा पाथ होगा काफ़ी डिफिकल्ट होगा कोविड नाइन्टीन के बाद लॉकडाउन के बाद से मतलब 25 मार्च से अभी तक का जो डेटा रिलीज़ हुआ है उसमें कोर सेक्टर ने एक बहुत बुरी तरह से गिरावट देखी है आठ जो हमारी कोर इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने मार्च में बहुत तेज़ी से श्रिंक किया है सिक्स ऑलमोस्ट सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट का कॉन्ट्रैक्शन हमने नोटिस किया है अपने कोर सेक्टर के अंदर ये जो आउटपुट है सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो स्टैंड स्टिल पर हैं और अ, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सिक्स का हमने जो कॉन्ट्रैक्शन देखा सबसे स्टीप कंट्रैक्शन पिछले सात दिनों में आया है अग, अब अगर हम पेट्रोलियम रिफाइनरीज की बात करें तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज में तो केवल जीरो पॉइंट फाइव परसेंट का कॉन्ट्रेक्शन आया क्योंकि बहुत सारे जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो आइडियल बैठा है ट्रांसपोर्टेशन इतना नहीं हो रहा तो इसीलिए पेट्रोलियम सेक्टर में पेट्रोलियम रिफाइनरी में केवल जीरो पॉइंट फाइव परसेंट का कॉन्ट्रेक्शन देखा गया है कॉन्ट्रेक्शन जो ज़्यादा देखा गया वो इलेक्ट्रिसिटी और स्टील में देखा गया इलेक्ट्रिसिटी में सेवन पॉइंट टू परसेंट का कॉन्ट्रेक्शन है जबकि स्टील में थर्टीन परसेंट का कॉन्ट्रेक्शन है और ये दोनों जो सेक्टर्स से हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए बाकी इंडस्ट्रीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है कोई भी आपकी फैक्ट्री खुलेगी तो उस बिना बिजली के चलेगी नहीं तो बिजली की आवश्यकता पड़ती है फिर स्टील की भी आवश्यकता आपकी स्टील आपकी एक कोर सेक्टर है स्टील की आवश्यकता आपको हर इंडस्ट्री में पड़ती ही पड़ती है तो इन दोनों में जो इतनी कॉन्ट्रैक्शन आया है इससे ये साफ पता चलता है कि जो डिमांड है उस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है डिमांड नहीं आ रही है ना तो इलेक्ट्रिसिटी की और ना ही आपकी स्टील की नॉन एसेंशियल इंडस्ट्रीज जो हैं आपकी शर्ट हैं और ये डिमांड इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी की ऑलमोस्ट नाइन परसेंट मार्च में डिक्लाइन हो गई थी जो हमारा डेटा नेशनल लोड डिस्पैच से आया है पावर सेक्टर जो को एग्जेप्ट किया गया लॉकडाउन से क्योंकि ये एक, एक एसेंशियल कॉमोडिटी है पर जो स्लम्प आया है कॉमर्शियल डिमांड में उसकी वजह से जो पावर का एक टोटल आउटपुट रहा वो थोड़ा सा कम हो गया और इसके जो है बहुत ज़्यादा कास्केटिंग इफेक्ट होंगे बहुत ज़्यादा दूर तक फैले हुए इफेक्ट्स होंगे और इससे जो आपकी ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आपकी पावर सेक्टर कंपनीज हैं उनकी कैश फ्लो की प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाएगी क्योंकि उन, उनके पास जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डिमांड का तो इससे उनके रेवेन्यूज भी बहुत ज़्यादा लॉस होंगे बस एक सेक्टर ने थोड़ा सा पॉजिटिव फिगर पोस्ट की है वो है आपका कोल सेक्टर सिर्फ कोल सेक्टर ऐसा था जिसमें एक इम्प्रूवमेंट हुआ है इसका जो इसका जो आउटपुट है उसने एक्सपैंड किया चार और ये थोड़ी सी रीअश्योरिंग पिक्चर तो शो करता है बट फेबररी में इलेवन पॉइंट टू परसेंट था कोल की एक्सपेंशन और मार्च में जो है आपका चार परसेंट हो गया तो फरवरी से मार्च में अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सॉरी मार्च में आपका नौ परसेंट था और अप्रैल में आपका चार परसेंट हो गया तो मार्च से अगर आप अप्रैल को देखेंगे तो टोटल आधा जो है रिडक्शन हुआ है तो पॉजिटिव तो है कोल का बट अगेन कोल ने भी काफ़ी ज़्यादा जो है डिक्लाइन किया है पिछले मंथ के अकॉर्डिंग तो इसीलिए कोल का जो डिक्लाइन आ रहा है वो इसलिए है क्योंकि कोल की जो डिमांड आती है वो थर्मल जनरेटर से आती है और ये थर्मल जनरेटर जो है आपके स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री में होते हैं और हमने देखा कि स्टील में फॉल डाउन हुआ है सीमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो स्टील सीमेंट दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से कोल का भी जो आउटपुट आने वाले टाइम में होगा वो कम ही होगा कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत बुरी तरह से जो है हिट हुआ है क्योंकि लेबर सप्लाई के इश्यूज आ रहे हैं माइग्रेंट लेबर अपने घरों को जा चुके हैं या वो, वो या वो क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का एक बहुत बड़ा जो सेगमेंट है वो आपका माइग्रेंट लेबर से आता है तो सप्लाई शॉर्टेज की वजह से कंस्ट्रक्शन जो साइट है कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हुआ है और वो टोटल हमने जो इसमें ड्रॉप देखा वो पच्चीस का ड्रॉप देखा है ऑयल का जो मार्केट है उसमें काफ़ी गिरावट देखी गई थी इसकी वजह से बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं एनर्जी सेक्टर की उनकी भी जो ग्रोथ है वो रिड्यूस हुई है अप्रैल का जो ओवरऑल कोर आउटपुट है वो बहुत तेज़ी से गिरेगा और ऐसे में सेंटर के पास बस एक ऑप्शन बचता है वो ये है कि सेंटर बहुत तेज़ी से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग करे और लॉकडाउन को थोड़ा थोड़ा ईज करे जिससे कि इकनॉमी धीरे धीरे रिवाइव हो सके नेक्स्ट जो आर्टिकल आपको देखना है वो है इट्स अबाउट फूड न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड लाइवलीहुड सिक्योरिटी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इससे आपको क्वेश्चन बनेगा कि फार्मर्स कॉपरेशन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडिंग एंड फेवरेबल पब्लिक पॉलिसीज कैन हेल्प इंडिया डील विथ पेंडेमिक कॉमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये आपका जी पेपर थ्री का क्वेश्चन है आज इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा और यहाँ से इस वाले आर्टिकल को देख करके के हम इसका आंसर फ्रेम करने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या ये देखिए स्वामीनाथन जी ने लिखा है और आपको पता है कि ये हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन के एक बहुत बड़े बहुत टॉल फिगर के रूप में थे तो ये आर्टिकल के अंदर बहुत अच्छी इन्फॉमेशन दी गई है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये तो करंट अब इस आर्टिकल में क्या क्या पढ़ना है आपको आर्टिकल में कहा गया है कि जो लॉकडाउन की नेशनल लॉकडाउन है कोविड नाइन्टीन का इसने हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं फूड की न्यूट्रिशन की और लाइवलीहुड की इन तीन प्रॉब्लम्स को एक साथ उजागर किया है अब कुछ मेजर्स जो है अनाउंस किए गए थे जिससे कि एडिशनल राइस या वीट पल्स वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट उसके साथ साथ एक हज़ार रुपये जो है और एसेंशियल कॉमोटिटीज़ पी डी एस सिस्टम के थ्रू लोगों को दी प्रोवाइड की जाए अब ये जो मेजर्स हैं ये इस प्रॉब्लम को ये जो इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम है तीन प्रॉब्लम है फूड की प्रॉब्लम न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम और लाइवलीहुड की प्रॉब्लम तो इन ये जो हमारे मेजर्स हैं ये इन तीनों प्रॉब्लम को पूरी तरह से एड्रेस नहीं करते हैं पहला क्या इशू है पहला इशू ये है कि अवेलेबलिटी जो फूड की मार्केट में है वो फंक्शन होता है प्रोडक्शन का जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे उतना अवेलेबलिटी बढ़ेगी आप देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन का हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमारे पास इनफ फूड है मार्केट में और गवर्नमेंट के पास गोडाउन में फ़ूड पड़ा हुआ है तो ये देखिए इसलिए नहीं ये फूड की हमारे पास इसलिए फूड है क्योंकि वो फार्मर्स ने प्रोड्यूस किया है और गवर्नमेंट का एकम्पलिश ये जो है एकाम्प्लिशमेंट सारा हमारा इंडियन फार्मर्स का है इंडियन फार्मर्स ने शिफ्ट टू माउथ को राइट टू फूड के रूप में कन्वर्ट कर दिया है फिर भी हम फार्मर्स के कंट्रीब्यूशन को ऐसे फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते क्योंकि उनको कुछ एग्जम्पन तो दिए गए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे पर उनको बहुत सारी समस्या भी है। जैसे है। हैं जैसे कि लेबर का शॉर्टेज है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि इनपुट की कमी आ रही है उनके पास सीड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है और जो सीड्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं उसके अलावा मार्केटिंग अरेंजमेंट जैसे कि सप्लाई चेन पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है उनकी जो प्राइसिंग दे दी जा रही है उनको जो पैसा दिया जा रहा है वो काफ़ी रिम नहीं है मतलब उनकी मेहनत के हिसाब से उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है और पब्लिक प्रोक्योरमेंट भी इस टाइम में प्रॉपर नहीं हो पा रहा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ऑलमोस्ट शट है तो ऐसे में हमें क्या एड्रेस करना है कि हमें इस इन इन प्रॉब्लम्स के बीच में कॉम्प्लेसेंसी नहीं दिखाई जानी चाहिए हमें स्ट्रिक्टली इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहिए एब्सेंस ऑफ डिमांड को अगर लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में गवर्नमेंट को स्टेप अप करके जो भी एक्सेस स्टॉक है उसको ख़रीदना होगा स्टोरेज फैसिलिटी को इंक्रीज करना होगा क्योंकि ये एक पेरिशेबल कॉमोडिटी होती है अगर अभी नहीं खरीदी गई तो ये ख़राब हो जाएगी तो इसीलिए आपके पास जो गवर्नमेंट के पास जो जितनी भी प्रोक्योरमेंट फैसिलिटी है स्टोरेज फैसिलिटी है उसको जो है इम्प्रूव करके उसको बढ़ा करके और कोशिश करनी होगी कि जो भी हमारी फसल कटी थी अभी रावी की उसको हम खरीद लें उसके साथ साथ अब खारिफ का जो है सोइंग सीजन आएगा तो ऐसे में जो ख़ारिफ का सोइंग सीजन है उसमें लेबर की कमी की वजह से एक प्रॉब्लम आ सकती है और फ्यूचर में फ़ूड अवेलेबिलिटी कम हो सकती है तो इसका भी गवर्नमेंट को ध्यान रख करके इस बारे में पॉलिसी बनानी होगी दूसरा जो हमें एक डायमेंशन एड्रेस करना है वो है एक्सेस टू फूड मतलब फ़ूड के लिए क्या क्या कैसे हमें फ़ूड आसानी से मिल जाए अब देखिए आसानी से फूड मिल जाए तो इसके लिए ये आपकी परचेजिंग पावर पर डिपेंड करता है अगर आपकी परचेजिंग पावर अच्छी है तो आप फूड को एक्सेस कर सकते हैं अगर आपकी परचेजिंग पावर बेकार है तो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे अगर आप फार्मर हैं तो ऑब्वियसली आप खुद अपना फूड ग्रो करते हैं तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है फार्मर के अलावा कोई भी अगर फ़ूड खरीदना चाहता है तो उसके लिए उसकी परचेसिंग पावर होनी चाहिए तो हमें क्या करना होगा कि गवर्नमेंट ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एक लागू की थी और पी को यूज़ करके एडिशनल फूड जो है सभी इंडिविजुअल्स को इस क्राइसिस के टाइम देने की कोशिश की है इसको फर्दर स्ट्रेंदन किया जाना चाहिए और इसका डाइवर्सिफिकेशन किया जाना चाहिए जो फ़ूड दिया जा रहा है इसमें आपकी इस फूड बास्केट में और भी जो ग्रेन्स हैं वो इंक्लूड होने चाहिए जैसे कि मिलट Uh, फिर आपकी पल्सेस मतलब दाल ऑयल तेल ये सब चीज़ें हमें ऐड करनी होगी अपनी फूड बास्केट में और इनको भी हमें पी सिस्टम के थ्रू जो ग़रीब तबका है उस तक पहुँचाना होगा जिससे कि उनकी हिडन हंगर को एड्रेस किया जा सके और जो उनकी माइक्रोन्यूट्रेंट्स की कमी है उसको भी एड्रेस किया जा सके फिर देखिए अभी जो आपके आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं और स्कूल्स हैं वो बंद हैं इस वजह से जो बच्चे हैं उनको मिड डे मील्स नहीं मिल रहे और इसीलिए जो उनका न्यूट्रिशन इनपुट है वो कम हो जा रहा है तो ऐसे में उनकी जो लाइफ साइकिल है उस पर जो है फ़र्क पड़ सकता है क्योंकि बच्चों को अगर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कम हो जाता है तो उनकी जो कोग्नेटिव एबिलिटी होती है वो जो है काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है और ये जो कोग्नेटिव एबिलिटी है ये अफेक्ट होने की वजह से उनके फ्यूचर में फ़र्क पड़ता है तो देखा यह गया है जो भी बच्चा माल न्यूट्रिशन का शिकार हुआ था बचपन में वो बाकी अपने पीयर्स के कंपैरिजन में उतना अच्छा जो है जॉब में परफ़ॉर्म नहीं कर पाता है तो इसीलिए इसको भी एड्रेस करने की जरूरत है अब बच्चों के जो मिड डे मील बंद हैं तो उनको जो है न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे में बच्चों तक न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी कराने के लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई मिडिल रास्ता ढूंढना पड़ेगा अब देखिए हम न्यूट्रिशियस फ़ूड की बात करें या गुड क्वालिटी फ़ूड की बात करें तो हमारी जॉब सिक्योरिटी पे डिपेंड करता है अगर आपकी जॉब सिक्योरिटी है तो आप ऑब्वियसली पैसे जो अच्छे बेहतर क्वालिटी के खाने के ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि 90 परसेंट तक हमारी जो पॉपुलेशन है वो इनफॉर्मल पॉपुलेशन है कैजुअल वर्कर्स हैं तो उनके पास जॉब सिक्योरिटी नाम के के नाम पर कुछ नहीं है ऐसे में ये लोग जो बहुत सारे लोग जो फार्म्स या नॉन फार्म सेक्टर में हैं और उनके पास अब जॉब्स नहीं हैं तो उनकी जॉब सिक्योरिटी भी थ्रेटेंड है ऐसे में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी उनकी नहीं बच जाती है क्योंकि जिस दिन वो काम नहीं करेंगे उस दिन उनके पास पैसा नहीं आएगा और जिस दिन वो दिहाड़ी पर पैसा नहीं कमाते हैं उस दिन उनका खाना भी नहीं मिले बनेगा तो ऐसे में उनकी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी नहीं है अब इसीलिए हमें ये इंश्योर करना होगा कि लोग अपनी जॉब्स को ना लूज़ करें और एक करने का इसको इंश्योर करने का एक तरीका ये है कि हम जो है वैल्यू एडिशन करें प्राइमरी प्रोडक्ट्स में जैसे कि हमने एक वैल्यू एडिशन किया है राइस बायो पार्क का म्यांमार में किया गया था और जहाँ पर स्ट्रॉ ब्रांड को मतलब जो आपका जो राइस का कचरा होता है ना राइस का जो राइस जब कट जाता है तो उसका जो बचा रह जाता है स्टबल उसको जो है बायोमास में कन्वर्ट कर दिया गया था और पूरा का पूरा बायोमास यूटिलाइज़ हो गया था तो ऐसा ही हम अपने फार्म्स में भी कर सकते हैं जब कटाई हो जाती है तो जो थ्रेशर वगैरह के बाद जो भी आपका वेस्ट बचता है फार्म्स में पड़ा हुआ उसको फार्मर्स चला देते हैं तो अगर उसको हम बायोमास में कन्वर्ट कर दें तो ये जो है ना केवल फार्मर्स के लिए एक एडिशनल इनकम होगी इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी अच्छा होगा और उसके साथ साथ हमारी जॉब सिक्योरिटी भी बढ़ेगी मतलब उनके पास एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी इससे जो है आपका इन्वेस्टमेंट न्यू नई टेक्नोलॉजी में करना तो पड़ेगा पर उससे हमें फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा एक दूसरा एग्जाम्पल है अमूल का अमूल का जो मॉडल है वो भी ये प्रोवाइड करता है ये दिखाता है कि डेयरी सेक्टर में लोगों की इनकम इम्प्रूव हो गई क्योंकि मिल्क प्रोड्यूसर्स के ने जो है एक वैल्यू चेन बना ली थी फार्मर्स के साथ मिलकर के तो इससे क्या हुआ कि जब आपका एक कोऑपरेटिव बेसिस पे अगर कोई बड़ी कंपनी बन जाती है तो फार्मर्स को कंटिन्यूसली उनको कहीं और नहीं देखना वो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिल्क प्रोवाइड करते हैं अमूल वाले और उनकी जो इनकम है वो एश्योर्ड रहती है इसी तरह से हम बाकी अगर क्रॉप्स पे कर देते हैं तो फार्मर्स को एक सिक्योर टी रहेगी हमेशा कि उनको जो है कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इनकम उनका बना रहेगा तो ऐसा ही हमें हॉर्टिकल्चर सेक्टर में देखना होगा प्रायोरिटी बेसिस पे विमेन फार्मर्स जो कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम करती हैं उनको जो है स्पेशल अटेंशन देनी होगी और टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना होगा उनका जिससे कि वो इस इस एरिया में आगे से बढ़ के काम कर सकें अब नेक्स्ट आपका इश्यू है लाइवलीहुड का तो लाइवलीहुड की अगर हम बात करें तो बहुत सारे इंडिया में लोग स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं या लैंडलेस हाउस होल्ड्स हा। 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 हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो हाउस होल्ड्स हैं वुमेन के वो या तो स्मॉल और मार्जिनल हैं या लैंडलेस हैं और इनको जो है सबसे ज़्यादा जो जॉब मिलती है वो मनरेगा के थ्रू मिलती है तो ऐसे अभी जब हमारा लॉकडाउन की एक सिचुएशन है तो मनरेगा काफ़ी टाइम तक आपका प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा था लॉकडाउन की वजह से मनरेगा का जो वर्क है उसमें की जो है काफ़ी कटी कटौती आई है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मनरेगा के तहत भी काम नहीं कर पा रहे हैं उनकी इनकम्स और जॉब्स जो है रिड्यूस हो गई हैं ये जो है विमेन अगर मैन और विमेन को कंपेयर करें तो विमेन फार्मर्स को ज़्यादा जो है डिस्प्रपोशनेटली हाई बर्डन जॉब लॉस का देखना पड़ा है क्योंकि उनको विमेन की अगर बात करें तो वो कौन से काम करती थी वो या तो स्टोन्स को कैरी करने का काम करती थी या मिट्टी खोदने का, का काम करती थी तो मनरेगा के में अभी इस वक्त ये काम बंद है सस्पेंडेड है इसीलिए लिए विमेन वर्कफोर्स का भी काम इस वक्त सस्पेंडेड हो गया है इसी तरह से अगर हम फार्मिंग की बात करें तो वो एसेंशियल केयर में इंगेज uh, रहती हैं जैसे कि चिल्ड्रन uh, की केयर में या एल्डरली की केयर में या सिक लोगों की केयर में और जब पेंडेमिक की एक सिचुएशन होती है तब वेमेन का जो केयर वाला वर्कलोड होता है वो बढ़ जाता है तो ऐसे में उनका जो एक फॉर्मल वर्क होता है वो रिड्यूस हो जाता है और इसीलिए उनको एडिशनल सपोर्ट चाहिए तो ये सपोर्ट हमें स्पेसिफिकली वीमेंस के लिए एक्स्ट्रा डिजाइन करना होगा अब एक फ़ोकस जो हमें देना चाहिए ती, तीसरी जो डायमेंशन है फूड सिक्योरिटी की वो ये है कि हमारा जो बॉडी में एबजॉर्पन है फूड वो और उसका यूटिलाइजेशन ये डिपेंड करता है सैनिटेशन के ऊपर ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर और नॉन फूड फैक्टर्स के ऊपर जिसके अंदर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज भी इंक्लूडेड हैं तो अब हमें ये इंश्योर करना है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है इनका है, हमारी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है पंचायत में उसको यूज़ करके हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर uh, बिल्डिंग करनी होगी हेल्थ केयर फैसिलिटी में स्पेसिफिकली गाँव के लेवल पर जिस कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर गांव में प्रोवाइड किया जा सके फिर हमारी सैनिटेशन फैसिलिटी बेटर हो सके और पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी भी इंक्रीज हो सके इससे ना केवल हमारा जो एक पैंडमिक से लड़ने का आ, हमारी जो ल, ज, वो है लड़ाई है वो मजबूत होगी बल्कि कुछ जो हमारे ट्रांसमिशन रिलेटेड जो रिलेटेड केसेस हैं वो कम हो जाएंगे और हैंड वॉशिंग वगैरह भी हमारी बेहतर हो सकेगी अगर देखिए साफ़ पानी ही नहीं है तो आप हाथ धोएंगे कैसे इसीलिए एक्सेसिबिलिटी ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लीन वाटर की एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि इस पैंडमिक से लड़ाई की जा सके ना केवल ये पैंडमिक इसके अलावा और भी जो डिजीज होती हैं जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है जैसे कि कॉलरा जो और टाइफाइड जिनका बहुत बड़ा लोड है आपके रूरल एरियाज़ में वो भी रिड्यूस हो जाएगा अगर हम जो है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ये सारे ड्रा डायमेंशंस जो हैं अभी थ्रेटेंड हैं नोवल कोरोना वायरस से जैसे कि हमने देखा है इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम इनकी लिंकेजेस को हाईलाइट करें और ये देखें कि एग्रीकल्चर न्यूट्रिशन और हेल्थ आपस में जुड़े हुए हैं पी जो है कैलोरी नीड को या न्यूट्रिशन की नीड को तो मीट लेगा पर हमें और भी जरूरतें हैं जिससे कि हम एग्रीकल्चर और हेल्थ की नीड को भी मीट कर सकें फार्मर्स फार्मर्स को लॉसेस लॉसेस ना फार्मर्स ना में करें ये देखना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम है और जॉब जॉबलेसनेस नहीं होनी चाहिए इससे जो है पे के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर की उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर और इंडिया ने देखिए नाइनटीन में एक बड़ा फैमिन को रोका था और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और पब्लिक पॉलिसी के साथ मिल कर के फार्मर्स के साथ मिल करके एक सब्सटैशल इंक्रीज़ हमने शुरू की थी नाइनटीन में हमने जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन की नींव रखी थी और नाइनटीन सेवनटीज़ में हमने देखा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का हमें क्या फ़ायदा मिला है तो आज भी हम जो कॉम्बिनेशन अगर हम फार्मर के कॉपरेशन को, को यूज़ करें टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें और पब्लिक पॉलिसीज़ को हम जो है इम्प्रूव करें तो हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूज करके पैंडमिक के फॉल आउट को थोड़ा थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं और इसमें हमें जो है फार्मर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करना होगा देखिए नेक्स्ट आर्टिकल आपका काफ़ी एक रोपागैंडा वाला आर्टिकल है ताइवान कोरोना वायरस प्रोटोकॉल शोज हाउ इट इज डन तो ये देखिए ताइवान एक ऐसी कंट्री है जो डब्ल्यू एच ओ में जिसको रोल नहीं दिया गया है डब्ल्यू एच ओ में रोल ना दिए जाने के बावजूद भी ताइवान ने शायद बहुत सारी कंट्रीज़ में से सबसे बेहतर जो है रिस्पॉन्स दिखाया है तो अब हम ये ये देखेंगे कि ताइवान बाकी देखिए यहाँ तक आपको खुद पढ़ना है यहाँ से हम देखेंगे ताइवान की क्या स्ट्रैटेजी रही है तो जैसे ही ताइवान को पता चला कि ये वायरस है इकतीस दिसंबर को ताइवान को पता चला था ताइवान ने तुरंत क्या किया है जो डायरेक्ट फ्लाइट थी वुहान से वो बंद कर दी थी, थी पहला जो रिस्पॉन्स रहा ताइवान का ये था फिर 2 जनवरी को ताइवान ने जो है रिस्पांस टीम एक इस्टबलिश कर दी थी डिजीज़ कंट्रोल में जिसको ताइवान में सी ई बोला जाता है और इसको जो है लेवल टू लेवल थ्री और लेवल वन जो है इसने डिवाइड किया था गवर्नमेंट सारे जोन्स को जैसे कि हमने इंडिया को डिवाइड किया है अभी रेड जोन में ऑरेंज जोन में और ग्रीन जोन में ये चीज़ ताइवान ने जनवरी में ही कर दी थी और अलग अलग जोन्स में जो है एरियाज़ को डिवाइड कर दिया था उसके बाद ताइवान ने ये देखा था जो भी केसेस वहाँ पे बढ़ रहे थे उनको जो है आइसोलेट किया था बहुत तेज़ी से और टेक्नोलॉजी का यूसेज किया था आइसोलेशन में ट्रैकिंग में अब हम देखेंगे टेक्नोलॉजी को कैसे ताइवान ने यूज़ किया था ताइवान का कहना है कि डिजीज के कोई बॉर्डर नहीं होते तो इसी में जो है ताइवान ने काफ़ी डायनेमिक प्लान्स बनाए थे पहली चीज़ ताइवान ने क्या किया कि बॉर्डर्स को सील कर दिया था और बॉर्डर क्वारंटाइन मेजर्स किए थे कोई भी अगर बाहर से आ रहा था तो उसको जो है मैंडेटरी फोर्टीन डे होम क्वारंटाइन में डाला गया था कोई भी किसी भी कंट्री से आया हो इंडिया ने किया था जो बाकी कंट्रीज ने जो एक क्वारंटाइनिंग की थी वो सिर्फ चाइना वाले लोगों की की थी पर ताइवान ने हर कंट्री से कोई भी अगर फॉरन से आया है उसके लिए मैंडेटरी फोर्टीन डे क्वारंटाइन जो है ताइवान ने किया था और उसको ले, लेवल थ्री की वार्निंग दी गई थी मतलब ये हाई रिस्क वाले जोन में डाले गए थे ये लोग उसके अलावा ताइवान ने जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम किया था एंट्री क्वारंटाइन का मतलब कोई भी अगर पैसेंजर है बाहर से आया है तो उसको अपने लोकल मोबाइल फ़ोन में हेल्थ इंफॉर्मेशन फिलअप करनी होगी और ये हेल्थ डिक्लेरेशन पास उसको फिर एसएमएस के थ्रू मिलेगा अब इस हेल्थ डिक्लेरेशन पास से वो कम्युनिटी केयर सपोर्ट के जो है डायरेक्ट सर्वेलेंस में आ जाएगा और गवर्नमेंट केयर एजेंसीज जो है उसका मेडिकल असिस्टेंस करेंगी और डायरेक्टर डायरेक्टली उसको सर्वेल, उसकी सर्वेलेंस करेगी फिर आ, हर हर जो आपका ताइवान में देखिए नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होता है बहुत सारी कंट्रीज में ये इंश्योरेंस के लिए कार्ड मिलता है तो ये जो जो भी केसेस थे जो भी सस्पेक्टेड लोग थे उनके हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड में ये लिख दिया गया था कि ये लोग जो है कोविड से पीड़ित हैं अब ऐसे कोई भी विक्टिम जो भी मतलब सफ़र कर रहा था ताइवान के अंदर इस डिजीज़ से वो अगर किसी क्लिनिशियन के पास जाता किसी फिजिशियन के पास जाता क्योंकि उसका एन का कार्ड में ये ये लिख दिया गया था कि ये कोविड से पीड़ित है तो तुरंत जो है रेड फ्लैग एक मिल जाता था प्या, 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 उसको आपके डॉक्टर्स को और डॉक्टर को पता चल जाता था कि इस बंदे को आइसोलेट करना है या इसको क्वारंटाइनिंग इसकी करनी है फिर जैसे ही किसी की क्वारंटाइनिंग या आइसोलेशन किया जा रहा था तो उसकी जो है जीपीएस ट्रैकिंग की गई थी जिससे कि वो क्वारंटाइन ना तोड़ें क्वारंटाइन ऑफेंडर्स को जो है फाइनस लगाए गए थे उनके ऊपर या उनको जो है रेलेवेंट लॉज के अंदर उनको जो है जेल की सजा दी गई थी जिससे कि ट्रांसमिशन रुक सके उसके अलावा ताइवान ने जो है लैबोरेटरी लेबोरेटरी टेस्टिंग कैपेसिटी को बहुत तेजी से इंक, इंक्रीज़ किया और सर्वेलेंस वग़ैरह इंक्रीज़ कर दिया था फिर जो है आपकी कम्युनिटी में जो है आप तुरंत इन्होंने सर्वेलेंस कम्युनिटी ले, लेवल पे की अगर किसी को भी इस इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स थे या कोई भी अपर रेस्परेट्री ट्रैक्ट इन्फेक्शन था उसको तुरंत जो है मॉनिटर किया गया था और देखा गया था कि क्या इनको तो वो नहीं है इनको तो कोविड नहीं है उसके साथ साथ जो भी लोग सारी से पीड़ित थे मतलब कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से पीड़ित थे उनको जो है आइसोलेशन वार्ड्स में रखा गया था चाहे उनको कोविड हो या ना हो उसके अलावा पचास जो है रीजनल हॉस्पिटल्स को कोविड हॉस्पिटल के रूप में डेसिग्नेट किया गया था और सीधे सीधे उनको जो है कोविड से डील कराया गया था उसके साथ साथ इन्होंने जो है टेस्टिंग की जो फैसिलिटी है वो बहुत ज़्यादा सभी लैब्स में इंट्रोड्यूस कर दी थी जिससे कि मास लेवल पर टेस्टिंग की जा सके फिर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो ताइवान ने लिया था वो ये था कि जो भी सर्जिकल मास्क थे उनकी जो एक्सपोर्ट है उसको बैन कर दिया था चौबीस जनवरी से जिससे कि मास्क की कमी कंट्री के अंदर ना आए ताइवान ने नेम बेस्ड रेशनिंग सिस्टम शुरू किया था मास्क की परचेज पर मतलब सबके नाम से मास्क का रेशन लग, डाल दिया गया था और सबको जो है वो मास्क जो थे वो अपनी फार्मेसी से या लोकल हेल्थ एजेंसी से उठा सकते थे इससे क्या होता उसके अलावा मार्च बारह से इन्होंने जो है ऑनलाइन सिस्टम मास्क का ऑर्डर करने का चालू कर दिया था आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और उसको अपने आसपास वाली कन्वीनियंस स्टोर से उठा सकते हैं इन मशर से जो है लिमिटेड रिसोर्स को बेस्ट uh, तरीके से यूटिलाइज़ किया हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को मीट करने के लिए और एपिडेमिक प्रिवेंशन के लिए साथ साथ इंडस्ट्रियल नीड्स को भी फुलफिल किया गया अब देखिए क्राइसिस जो है वो एक प्रॉब्लम सभी जगह है ये क्राइसिस सब जगह प्रॉब्लम है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में सबके जो है एफर्ट्स चाहिए और एक ये आपका जो है रिस्पॉन्स होना चाहिए वो काफ़ी जो है कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स होना चाहिए ताइवान एक डब्ल्यू एच ओ का मेंबर नहीं है वो अकेला अब लड़ाई लड़ रहा था ऐसे में उसको जो है ना तो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी डब्ल्यू एच ओ से ना ही जो ताइवान की बेस्ट प्रैक्टिसेस थी वो बाकी कंट्रीज़ के साथ डब्ल्यू एच ओ ने शेयर की थी ताइवान ने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ग्लोबल कंट्री के रूप में वो निभाई थी और जो भी जो टेस्ट वगैरह ताइवान कर रहा था तुरंत उसने शेयर किया न केवल डब्ल्यू एच ओ के साथ बल्कि बाकी कंट्रीज़ जैसे कि जापान कोरिया सिंगापुर मलेशिया फिलीपींस यूएसए इटली फ्रांस स्विट्जरलैंड जर्मनी यू के बेल्जियम नीदरलैंड और यूरोपियन यूनियन के साथ जिससे कि जो भी लोग हैं जो भी ट्रैवल कर रहे थे ताइवान से इन कंट्रीज़ में उनको रोका जा सके फिर कॉन्टैक्ट uh, हिस्ट्रीज जो है ट्रेस की गई थी और बॉर्डर कंट्रोल मेजर्स भी ताइवान ने पूरी पूरी तरह से लिए थे अब हमें इतना ही देखना है इसके बाद देखिए ताइवान की ये पूरा प्रोपेगेंडा है जहाँ पे एक जो कोशिश की गई है ताइवान के ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के द्वारा कि इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जाए डब्ल्यू के ऊपर जैसे कि ताइवान को डब्ल्यू के सीट में एंट्री मिल सके तो ये सारा उसका प्रोपेगेंडा है ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है तो आज के हमारे डिस्कशन में इतना ही अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे